जी मैम है, तो हम दो हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई शालिनी रस्तोगी फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। तो बच्चों, हॉबी क्लास में आज आपकी एक्टिविटी है डुएट सिंगिंग, और मैं और श्वेता मैम जा रहे हैं डुएट सिंगिंग करने, और आपको भी अपना टास्क पूरा करना है और अपने वीडियो सेंड करने हैं। तो हम दो हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने हुनर को अपने अंदर दबा के रखा। आपके हो सकता है पापा हो सकता है आपकी प्यारी मम्मा हो सकता है आपका कोई भाई बहन या कोई नेबर, जो भी आपके अच्छा सा फ्रेंड हो, है ना। क्या होता है ना कि मान लीजिए आपके स्कूल में तो हॉबी क्लास चल रहा है, पर हो सकता है ना उनके स्कूल में नहीं चल रहा, और ये तो माहौल भी बच्चों इस टाइप का है कि सारे ही लोग अपने अपने घर में, कोई कहीं गया नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें इस हॉबी क्लास का बहुत ही अच्छा बेनिफिट उठाना है और डू यानी एक नहीं दो को साथ में गाना है। जैसे कि मैं तो शालिनी मैम के साथ हूँ, है ना, और आप अपने किसी भी रिलेटिव्स जो आपके घर में है, आपके मम्मी पापा भाई बहन हाँ या आपका कोई फ्रेंड, उनके साथ गा सकते हो। तो ड्यूट सिंगिंग गाने के क्या फायदे हैं, है ना, आपको किस तरीके से ड्यूट सिंगिंग में बेनिफिट मिल सकता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सिंगिंग के बारे में भी बताती हूँ थोड़ा सा। देखिए बच्चों, ड्यूट सिंगिंग में क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने कोई सॉन्ग गाया, जैसे जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां, टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। अब मेरी सांस खिंच रही है, जो भेजी थी दुआ, जो मेरे साथ वाले हैं, है ना, तो उस चीज में वो उनको छुपा लेंगे। जो भेजी थी दुआ, दूसरा वाला कहेगा आ वो आके आसमां। समझ रहे हैं मेरी बात, यानी कि अगर आपकी ब्रीथिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरा आपको सपोर्ट करता है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, और वो मुझे पता है मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता है उनके साथ ये दिक्कत है कि उनकी सांस कभी कभी ऊपर जाके रुक जाती है, तो जो उनका पार्टनर होता है वो उनको विनर बना देता है, यानी वो बेस्ट बन जाते हैं। एक की कमी को दूसरा पूरा कर देता है, दूसरे की कमी को वो पहला वाला पूरा कर देता है, और वो गाना जो है वो बखूबी सामने आ जाता है। उसकी जो एक कला होती है वो भी बहुत अलग से होती है बच्चों, जो डू इट सिंगिंग होती है, आप कभी भी देखिएगा उसमें बहुत मजा आता है। पर इस सिंगिंग के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मैंने अभी आपको ब्रीथिंग का बताया। बहुत सारे बच्चे होते हैं उन्हें स्टेज पर डर लगता है, वो डरते हैं कि हम कैसे खड़े होंगे, हमें बहुत डर लगता है, मैम हमारे साथ किसी दूसरे, है ना, ऐसा होता है ना। तो क्या कहते हैं, आपको वो भी बेनिफिट है कि अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा हाई रहता है, यानी बड़ा हुआ रहता है, आपको डर नहीं लगता है कि हम हारेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि आपके साथ क्या होता है कि आप अगर कोई चीज भूलते हैं तो वो दूसरा वाला जो है वो उसको पूरा कर देता है। इट मीन्स डू इट सिंगिंग के बहुत सारे बेनिफिट है बच्चों। मैं चाहती हूँ कि आप उस बेनिफिट का पूरा पूरा फायदा उठाएं, और आपके घर में जो भी कोई है प्लीज अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, और डू इट सिंगिंग करके मुझे भेजिए अपने वीडियो, और मैं भी देखूँ कितने सारे बच्चों को समझ में आई है ये बात। तो बच्चों, मैंने जो भी कुछ कहा है आपको समझ में आ गया होगा, और मैं तो गा रही हूँ शालिनी मैम के साथ डू इट सिंगिंग कॉम्पिटिशन में, ओके। और आपको भी चैलेंज दे रही हूँ कि आप भी अपना बेस्ट दीजिए डू इट सिंगिंग कॉम्पिटिशन में, और अच्छे से डू इट सिंगिंग हमको अपनी भेजिए बच्चों। तो देखिए मैं गाना शुरू करती हूँ। हंसते हंसते कट जाए रसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। देखा बच्चों आपने, मैंने कैसे गाया शालिनी मैम के साथ, है ना, और शालिनी मैम ने भी कितना अच्छा गाया। तो बच्चों आप भी अपने पार्टनर के साथ अपनी सिंगिंग मुझे जल्द से जल्द भेजिए।
थैंक यू श्वेता मैम। स्टूडेंट्स ये देखिए, श्वेता मैम ने मुझे टास्क दिया था कि मुझे डुएट सिंगिंग करनी है। मैंने तो अपना टास्क पूरा कर दिया, अब देखना ये है कि स्टूडेंट्स उसको कितने अच्छे से करते हैं। तो बच्चों अच्छे अच्छे से वीडियोस बनाइए और मैम के नंबर पे सेंड कीजिए। ऑल द बेस्ट।